स्वागत है आपका, मेट्रो मॉर्निंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की मुंडका केस की। दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मुंडका में हादसाग्रस्त इमारत में कई खामियां थी जिसके चलते भीषण हादसा हुआ। जांच के मुताबिक इमारत में स्टोरेज और स्टील शीट्स के कारण जगह नहीं बची थी। यही नहीं, पहली मंजिल पर एक स्विच बोर्ड के पास कार्डबोर्ड भी रखे गए थे। गौरतलब है कि इसी सिलसिले में दिल्ली नगर निगम के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आलोक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, तो एक बड़ा हादसा होता है, 27 लोगों की जान चली गई, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, लेकिन जांच में लगातार परतें खुलती जा रही हैं कि किस तरह से वहां पर लापरवाही बरती गई थी। अब इस नई इंक्वायरी में क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए परतें तो खुलती जाएंगी लेकिन कार्रवाई कितनी होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 3 एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं। एक एमसीडी ने अलग जांच बैठाई है जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसके अंतर्गत ये बिल्डिंग बनी हुई थी और जिसकी देखरेख का जिम्मा भी एमसीडी को था। वहीं दिल्ली सरकार ने एक मैजिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर की हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ने उस मैजिस्ट्रियल प्रोब के लिए आदेश दिया था, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है जिसमें उन्होंने केस रजिस्टर किया हुआ आईपीसी की धाराओं के तहत। तो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक चीज सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि काफी ज्यादा कंजेस्टेड थी बिल्डिंग अंदर से। जी हाँ बिल्कुल, 3 मंजिला जो है ये जो रेंट लिया हुआ था इस कंपनी ने, सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने, लेकिन उन 3 कमरे जो थे उसमें लगभग 150 से ज्यादा महिलाएं डेली काम करती थी, और जिस दिन घटना हुई उस दिन भी वहां पर खचाखच भरा हुआ था। जहां तक जो रिपोर्ट आई है उसमें यह पता चला है कि कार्डबोर्ड्स और जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, कंबस्टेबल मटेरियल जिसमें से आग तुरंत लग जाती है, केरोसिन ऑयल और इस तरह की चीजें जो है वहां पर पड़ी हुई थी, और वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नीचे ही पड़ी हुई थी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है वो उसके नीचे ही पड़ी हुई थी। और ये भी पता चला है कि कुछ दिन पहले ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर चेंज कराया गया था, तो जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसके कारण तुरंत आग फैल गई। और वहीं रास्ते के बारे में बताया गया, वो भी केवल एक ही रास्ता था, ये भी पुलिस को पता चला है अपनी प्रारंभिक जांच में, जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकल के आ पाए। तो ये सारी चीजें हैं, और जैसा पहले ही हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, दिल्ली ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से इल्लीगल थी, और जब बिल्डिंग पूरी इल्लीगल थी तो वहां पर जो सामान रखा जाएगा या काम भी होगा वो भी अस्त व्यस्त तरीके से ही होगा। जी जी बिल्कुल आलोक, दो चीजें सामने आ रही है खुलकर। एक तो इसमें बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है जो पहले सिविक बॉडी की रिपोर्ट में भी सामने आया था, दूसरा ये कि कंजेशन हुई है और कंजेशन की वजह इनकी अपनी खामियां भी हैं, अपनी गलतियां हैं, जिस तरह से अंदर स्टील शीट लगाई गई थी ताकि स्टेयर केस के ऊपर, तो कई तरह की जो खामियां वो सामने आई है, लेकिन कार्रवाई कब होगी, कौन अकाउंटेबल है इसके लिए, ये सब इस बारे में कुछ अधिकारी अभी कुछ बता पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करो तो दे हैव ऑलरेडी रिटेन टू 15 एजेंसीज, जिसमें बीएसईएस को भी लिखा हुआ है और जो एमसीडी को लिखा हुआ है और बाकी डीडीए और जो जितनी भी तमाम एजेंसियां होती हैं जिसके द्वारा लाइसेंस लिया जाता है, जिसके द्वारा जब आप इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो या इतनी बड़ी बिल्डिंग रखा हुआ है आपने, तो उसमें क्या क्या चीजें रहनी चाहिए डॉक्यूमेंट के तौर पर, उन सारी एजेंसीज को लिखा है दिल्ली पुलिस ने, लगभग 10 एजेंसीज को लिखा हुआ है, और फिलहाल उनका इंतजार कर रही है उनके रिपोर्ट्स का। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट्स क्या आती हैं, लेकिन सबसे बड़े सवाल जी हाँ, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि वेदर दी ऑफिसर्स those who are actually accountable for, they will be held accountable or not, क्योंकि ये घटना पहली नहीं है, इसके पहले भी 3 से 4 घटनाएं ऐसे ही हो चुकी हैं और जिसमें गरीब आदमी मरता है, क्योंकि लेबर क्लास होता है, वो काम करता है, जिनके बारे में कोई लिखा पढ़ी भी नहीं होती है और वो मर जाता है, उसके बाद केवल कंपनसेशन देख करके सरकारें पल्ला झाड़ लेती हैं। लेकिन क्या इस वाले मामले में, क्योंकि 27 लोग कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, 27 लोग बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्या इस मामले में वाकई कोई कार्रवाई होगी ताकि इस तरह की जो इल्लीगल बिल्डिंग्स हैं वो ना चलें और इस तरीके से लोगों की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम अपने दर्शकों को इस मुंडका फायर पर अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि सवाल बड़ा अभी भी बना हुआ है कि छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, रिपोर्ट सामने आ रही है, कई लापरवाहियां बरती गई है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उनको कब अकाउंटेबल ठहराया जाए।